चलिए अब एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स देख लेते हैं, HPCL, BPCL। शरद जी, HPCL, BPCL, एक व्यू ये बन रहा था कि अगर तो ब्रेंट के प्राइसेस नहीं बढ़े होते तो 2 रुपए की प्राइस कट कोई बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होना चाहिए था स्टॉक्स के लिए, लेकिन हमने, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस गिर चुके थे इस एंटिसिपेशन में कि प्राइसेस कट होंगे। शरद जी, तो अब क्या व्यू बन रहा है आपका इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर, क्या इस करेक्शन में बाय किया जाए? देखिए, इसमें तीन चार चीजें प्ले आउट कर रही हैं। एक तो जो रशियन क्रूड के में इनको डिफरेंस मिल रहा था वो काफी हद तक कम हो गया है। मेरे हिसाब से पीक पे $15 के आसपास था, अभी वो सिर्फ $2 के आसपास रह गया है। इसके अलावा ये जो प्राइस कट आया, इसकी वजह से जो मार्केटिंग मार्जिन थी, खास करके डीजल में, जो लगभग शायद मेरे हिसाब से 2/3 के आसपास ऑफ टोटल इनके सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है, तो वहां पे इनकी मार्जिन लगभग डीजल की लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे चली गई है। पेट्रोल में अभी भी मेरे हिसाब से 2 रुपए के कट के बाद भी मार्जिन ठीक ठाक हैं, बट डीजल जो कि मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यूज है, वहां मार्जिन में कट आ गया है। तो फॉरवर्ड नंबर्स में आप ये मान के चलिए कि मार्केटिंग मार्जिन में काफी बड़ा कट इन कंपनीज को देखना पड़ेगा। प्लस जैसा कि आप बोल रहे थे कि क्रूड की प्राइसेस ऊपर है, तो अब चूंकि रॉ मटेरियल सोर्सिंग भी कम है, अभी हालांकि बहुत बड़ा पोर्शन हमने वेनेजुएला में शिफ्ट कर दिया है, बट अप्रैल ऑनवर्ड मोस्ट प्रोबेबली यूएस की कुछ सैंक्शंस की रिनेवल वगैरह की न्यूज है, वो भी डिपेंडेंट है। प्लस अब चूंकि आचार संहिता लागू हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस से रिलेटेड कोई खास मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो मुझे लगता है अगले 1-2 महीने मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा कैप्ड है इन टर्म्स ऑफ न्यूज फ्लो, और अगर वेनेजुएला वाली सैंक्शंस वापस से आ जाती है, क्योंकि भारत वापस से काफी बड़ा बायर निकल गया है वेनेजुएला से, और रशियन क्रूड में जो डिस्काउंट था वो भी खत्म हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले क्वार्टर वाली कमेंट्री भी आपकी बहुत सबड्यूड रहेगी। प्लस रशिया यूक्रेन टेंशन की वजह से वहां के रिफाइनरीज पे जो अटैक्स वगैरह हो गए, वो एक और लेग ऑफ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो मुझे लगता है शायद अगले 2-3 महीने थोड़ा सा सबड्यूड रहे यहाँ पे एनवायरमेंट, जो ऑप्टिमिज्म था वो ओवरप्ले हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपको अभी बहुत जल्दी में यहाँ पे कोई पोजिशन लेनी चाहिए। 8-10% और नीचे मिलता है तो मुझे लगता है वहां पे ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट बेट्स लेने के लिए काफी बढ़िया आइडिया हो जाएगा। बट ज्यादातर जो टेलविंड्स थी वो हेडविंड जैसी नजर आ रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, और जो वैल्यूएशन कंफर्ट आज से 6 महीने साल भर पहले था वो काफी डिसेंट था, अब वो उतना ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है अभी टेम्पोरली आपको अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट मेरे हिसाब से पोस्ट इलेक्शन आपको एक ज्यादा क्लियर पिक्चर इमर्ज होगी, और वेनेजुएला वाला जो एंगल है मेरे हिसाब से नियर टर्म ट्रिगर वो होना चाहिए अप्रैल ऑनवर्ड्स, वो कैसे बिहेव करता है वो हम देखना चाहेंगे। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। अब हमने अब तक बाकी सेक्टर निफ्टी निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रीब्यूशन देखे थे, आज से हम आपको बाकी सेक्टर्स के भी थोड़े से कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। आज मेटल्स क्लियरली इंडेक्स ऑफ द डे है, तो उसके साथ शुरुआत करते हैं। मेटल्स इंडेक्स इस समय करीब करीब 168 पॉइंट, मतलब 2% ऊपर है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अब दे रहा है टाटा स्टील। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जो जितने भी एनएससी के इंडेसेज हैं वो सब फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेस्ड होते हैं। इसके लिए सेल जैसे स्टॉक्स और इवन नैलको उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि उनका उनमें पब्लिक गवर्नमेंट स्टेक बहुत ज़्यादा होता है, तो वो गवर्नमेंट प्रमोटर है, तो फ्री फ्लोट कम होता है इसकी वजह से। और टाटा स्टील का फ्री फ्लोट काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए टाटा स्टील और फिर JSW स्टील, फिर हिंडालको, अगेन प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा हैं, JSPL, अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस समहाउ मेटल्स में क्लासिफाई होता है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये एक मेटल्स इंडेक्स पर एक इम्पैक्ट डालता है। एक बार PSU बैंक्स और देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ी सी रैली आ रही है, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, दो में से जो भी रेडी हो। ओके, PSU बैंक्स ऑब्वियसली सबसे बड़ा स्टॉक SBI है, तो उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, करीब करीब 53 पॉइंट्स। लेकिन मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको खास तौर से, देखिए कोई भी रेड में नहीं है, तो ये जो बड़े सेक्टर्स हैं, आज दो बड़े सेक्टर्स हैं, इनमें क्लियरली आज मोमेंटम है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, और शायद ये एक ऐसी स्पेस है जिसको आप अभी भी चेज कर सकते हैं, तो इसके लिए इस पर मैंने फोकस किया। आप शरद जी, PSU बैंकों में कोई टॉपिक होगी क्या आपकी इन लेवल्स पर? मुझे लगता है बाकी PSU बैंक्स में तो बहुत ज्यादा अपसाइड हम फोर्सी नहीं कर पा रहे हैं, अनलेस एंड अंटिल रिकवरीज का कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करे आने वाले समय में। प्राइमरीली मुझे लगता है SBI एक टॉप बेट होनी चाहिए, ये करेक्शन के बाद एक डिसेंट लेवल पे आपको स्टॉक मिल रहा है यहाँ, या ग्रेजुअली नीचे के लेवल्स पे जब भी मिले, तो मुझे लगता है SBI एक डिसेंट बेट होना चाहिए जहाँ हम री रेटिंग पे प्ले करना चाहेंगे, साइज एडवांटेज है। तो अगर PSUs में मुझे कुछ बेट करना है तो मैं प्रेफरेबली SBI पे ही बेट करना चाहूंगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर
सबसे पहली ट्रेड हम मानस से ले रहे हैं सस्ता ऑप्शन के लिए। मानस बताइए आपकी ट्रेड। देखिए बहुत सारे लॉन्ग कॉल्स की बात हुई है, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, वो है आईटी स्पेस। अगर आप देखिए तो एनपीटी से जैसे स्टॉक हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर फेस कर रहे हैं, स्पेशली इनपी पे मेरी नजर है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। कल भी स्टॉक में वहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिला था और आज भी इनपी ने वहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया है। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर है, तो इनपी के 1560 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी, पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की रहेगी। 1560 का पुट ऑप्शन इनफी का खरीदना है, 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इस ऑप्शन में आप 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और ऑप्शन में 40 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके आशीष भैदी जी, आप क्या ट्रेड लेंगे एफएनओ सुपरस्टार में? जी पावर ग्रिड पे खरीदारी की सलाह रहेगी, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हमको लग रहा है कि अभी यहाँ से प्ले होगी और जिस हिसाब से पिछले 5 दिनों का हाई थे उसे रीगेन करता हुआ देखने मिला स्टॉक है, तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा बनेगा। 270 के जिसका एक एम रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर पा रहा है ये, तो 277 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 265 पे कैसे मेंटेन करें। ओके आपका ट्रेड है पावर ग्रिड। अब चलते हैं शिवांगी जी के पास आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। शिवांगी क्या पिक कर रही हैं आप? जी मेरा पिक रहेगा शैलेट। हम देख रहे हैं कि पिछले 4 हफ्तों के लोअर हाइज लोअर लोज फॉर्मेशन के नेगेशन के बाद अब अच्छी तरह से ये स्टॉक जो है अच्छे बाइंग दिखा रहा है यहाँ पे इन जोन्स पे। पिछले 2 दिनों से काफ़ी एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिला है स्टॉक में, एंड ये पूरा ही थीम काफ़ी अच्छा प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, तो इसका एक टेलविन भी मिलते हुए दिखेगा। मंथ ऑन मंथ बेसिस में हमने देखा है कि पिछले 2 सालों से कंसिस्टेंटली स्टॉक ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया है इन रेस्पेक्ट टू दी अदर काउंटर्स इन द सेक्टर, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएटली 850 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 795 के एक स्टॉक के साथ। ओके तो यहाँ पे आपका शैलेट होटल बाय कॉल शरद जी, आपका मिड कैप फंड आज का? जी हमारा मिड कैप फंडा होगा हिकाल या हाइकाल लिमिटेड। कंपनी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स और सीडीएमओ में काम करने वाली कंपनी है। कुछ मैनेजमेंट ओनरशिप इश्यूज थे वो अब मोर और लेस स्ट्रीम्ड आउट हैं, और हमें लगता है जिस तरीके का कैपेक्स कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में किया है उसका कुछ भी असर नंबर्स पे दिखाई नहीं दिया है। रादर रॉ मटेरियल प्राइस खास करके फार्मा सेगमेंट में जो चाइना से रॉ मटेरियल आता था उसमें प्राइसेस में वैगरीज की वजह से मार्जिन में काफी डिसेंट हिट आया है, वो अब ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मार्जिन नॉर्मलाइज होनी चाहिए आने वाले 1-2 साल में, और ग्रेजुअली जो कैपेक्स इन्होंने किया है और जो अभी भी करीब 400-500 करोड़ का कैपेक्स है जो अंडर प्रोग्रेस है, तो कुल मिला के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डबल होने की गुंजाइश रह सकती है। बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट और ज्यादा होगा क्योंकि ये जो मार्जिन क्लॉबैक होगा ये भी काफी सब्सटैंशियल होना चाहिए, 300 से 400 बेसिस पॉइंट जैसा मार्जिन क्लॉबैक होना चाहिए। एक आधे नए प्रोडक्ट्स हैं जिसे कंपनी नई ज्योग्राफीज में भी अपनी एंट्री एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, गैबापेटाडेन और एक और केमिकल प्रोडक्ट है वो उसमें इनकी लीडरशिप पोजिशन है। बट थोड़ा सा क्लाइंट थोड़ा सा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है, बट लीडरशिप पोजिशन है तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा बॉदर करेगा। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल कंपनी लगभग 15 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट करेगी और 20-25 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए, तो 375-375 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से हाइकाल लिमिटेड। बिल्कुल हाइकाल, चलिए